हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में सिंघम जी से न्यू अपडेट आई है। सिंघम की रिलीज डेट टल गई है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में हम। रोहित शेट्टी की बहुप्रतीक्षित फिल्म की रिलीज की तारीख टल गई है। यह फिल्म 15 अगस्त को सिनेमा घर में दस्तक देने वाली थी। कहा जा रहा था कि शूटिंग पूरी न होने के कारण फिल्म की रिलीज डेट टल गई है। वही मीडिया रिपोर्ट की माने तो फिल्म को इसी साल दिवाली पर रिलीज किया जा सकता है। सिंघम अगेन की रिलीज की तारीख बदलने के बाद लोगों ने तरह तरह के अटकलें लगाना शुरू कर दिया है। कुछ लोगों का कहना यह है कि रोहित शेट्टी, अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की फिल्म पुष्पा 2 से सामना करने से बच रहे है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो रोहित शेट्टी और अजय देवगन बिना रुके दिन रात फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। उनका लक्ष्य था कि फिल्म को 15 अगस्त तक रिलीज कर दिया जाए। कहा जा रहा है कि सिंघम अगेन की कुछ जटिल मार्गों के चलते शूटिंग लंबी खींच रही है। हालांकि रोहित शेट्टी, अजय देवगन ने अपनी रफ्तार बरकरार रखी है। वह निर्धारित तारीख पर फिल्म को रिलीज करने के लिए बहुत जोर नहीं दे रहे है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जियो ने रोहित शेट्टी को सुझाव दिया है कि फिल्म को दिवाली पर रिलीज किया जाना चाहिए। अजय देवगन और रोहित भी इस तारीख पर विचार कर रहे हैं। दिवाली की तारीख को ध्यान में रखकर DFF और अन्य कार्यों के लिए अंतिम तारीख निर्धारित की जा रही है। फिल्म में अजय देवगन, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण, करीना कपूर और टाइगर श्रॉफ भी नजर आने वाले है। रोहित शेट्टी की सिंघम की में कई स्टार नजर आने वाले हैं, जिसकी वजह से इसे लेकर बच बना हुआ है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में सिंघम की से न्यू अपडेट आई है। सिंघम की रिलीज डेट टल गई है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में हम। रोहित शेट्टी की बहुप्रतीक्षित फिल्म की रिलीज की तारीख टल गई है। यह फिल्म 15 अगस्त को सिनेमा घर में दस्तक देने वाली थी। कहा जा रहा था कि शूटिंग पूरी न होने के कारण फिल्म की रिलीज डेट टल गई है। वही मीडिया रिपोर्ट की माने तो फिल्म को इसी साल दिवाली पर रिलीज किया जा सकता है। सिंघम अगेन की रिलीज की तारीख बदलने के बाद लोगों ने तरह तरह के अटकलें लगाना शुरू कर दिया है। कुछ लोगों का कहना यह है कि रोहित शेट्टी, अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की फिल्म पुष्पा 2 से सामना करने से बच रहे है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो रोहित शेट्टी और अजय देवगन बिना रुके दिन रात फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। उनका लक्ष्य था कि फिल्म को 15 अगस्त तक रिलीज कर दिया जाए। कहा जा रहा है कि सिंघम अगेन की कुछ जटिल मार्गों के चलते शूटिंग लंबी खींच रही है। हालांकि रोहित शेट्टी, अजय देवगन ने अपनी रफ्तार बरकरार रखी है। वह निर्धारित तारीख पर फिल्म को रिलीज करने के लिए बहुत जोर नहीं दे रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जियो ने रोहित शेट्टी को सुझाव दिया है कि फिल्म को दिवाली पर रिलीज किया जाना चाहिए। अजय देवगन और रोहित भी इस तारीख पर विचार कर रहे हैं। दिवाली की तारीख को ध्यान में रखकर DFF और अन्य कार्यों के लिए अंतिम तारीख निर्धारित की जा रही है। फिल्म में अजय देवगन, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण, करीना कपूर और टाइगर श्रॉफ भी नजर आने वाले हैं। रोहित शेट्टी की सिंघम की में कई स्टार नजर आने वाले हैं, जिसकी वजह से इसे लेकर बच बना हुआ है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में सिंघम की से न्यू अपडेट आई है। सिंघम की रिलीज डेट टल गई है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में हम। रोहित शेट्टी की बहुप्रतीक्षित फिल्म की रिलीज की तारीख टल गई है। यह फिल्म 15 अगस्त को सिनेमा घर में दस्तक देने वाली थी। कहा जा रहा था कि शूटिंग पूरी न होने के कारण फिल्म की रिलीज डेट टल गई है। वही मीडिया रिपोर्ट की माने तो फिल्म को इसी साल दिवाली पर रिलीज किया जा सकता है। सिंघम अगेन की रिलीज की तारीख बदलने के बाद लोगों ने तरह तरह के अटकलें लगाना शुरू कर दिया है। कुछ लोगों का कहना यह है कि रोहित शेट्टी, अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की फिल्म पुष्पा 2 से सामना करने से बच रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो रोहित शेट्टी और अजय देवगन बिना रुके
दिन रात फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। उनका लक्ष्य था कि फिल्म को 15 अगस्त तक रिलीज कर दिया जाए। कहा जा रहा है कि सिंघम अगेन की कुछ जटिल मार्गों के चलते शूटिंग लंबी खींच रही है। हालांकि रोहित शेट्टी अजय देवगन ने अपनी रफ्तार बरकरार रखी है। वह निर्धारित तारीख पर फिल्म को रिलीज करने के लिए बहुत जोर नहीं दे रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जियो ने रोहित शेट्टी को सुझाव दिया है कि फिल्म को दिवाली पर रिलीज किया जाना चाहिए। अजय देवगन और रोहित भी इस तारीख पर विचार कर रहे हैं। दिवाली की तारीख को ध्यान में रखकर DFS और अन्य कार्यों के लिए अंतिम तारीख निर्धारित की जा रही है। फिल्म में अजय देवगन, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण, करीना कपूर और टाइगर श्रॉफ भी नजर आने वाले हैं। रोहित शेट्टी की सिंघम की में कई स्टार नजर आने वाले हैं, जिसकी वजह से इसे लेकर बच बना हुआ है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में सिंघम की से न्यू अपडेट आई है। सिंघम की रिलीज डेट टल गई है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में हम। रोहित शेट्टी की बहुप्रतीक्षित फिल्म की रिलीज की तारीख टल गई है। यह फिल्म 15 अगस्त को सिनेमा घर में दस्तक देने वाली थी। कहा जा रहा था कि शूटिंग पूरी न होने के कारण फिल्म की रिलीज डेट टल गई है। वही मीडिया रिपोर्ट की माने तो फिल्म को इसी साल दिवाली पर रिलीज किया जा सकता है। सिंघम अगेन की रिलीज की तारीख बदलने के बाद लोगों ने तरह तरह के अटकलें लगाना शुरू कर दिया है। कुछ लोगों का कहना यह है कि रोहित शेट्टी, अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की फिल्म पुष्पा 2 से सामना करने से बच रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो रोहित शेट्टी और अजय देवगन बिना रुके दिन रात फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। उनका लक्ष्य था कि फिल्म को 15 अगस्त तक रिलीज कर दिया जाए। कहा जा रहा है कि सिंघम अगेन की कुछ जटिल मार्गों के चलते शूटिंग लंबी खींच रही है। हालांकि रोहित शेट्टी अजय देवगन ने अपनी रफ्तार बरकरार रखी है। वह निर्धारित तारीख पर फिल्म को रिलीज करने के लिए बहुत जोर नहीं दे रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जियो ने रोहित शेट्टी को सुझाव दिया है कि फिल्म को दिवाली पर रिलीज किया जाना चाहिए। अजय देवगन और रोहित भी इस तारीख पर विचार कर रहे हैं। दिवाली की तारीख को ध्यान में रखकर DFS और अन्य कार्यों के लिए अंतिम तारीख निर्धारित की जा रही है। फिल्म में अजय देवगन, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण, करीना कपूर और टाइगर श्रॉफ भी नजर आने वाले हैं। रोहित शेट्टी की सिंघम की में कई स्टार नजर आने वाले हैं, जिसकी वजह से इसे लेकर बच बना हुआ है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में सिंघम की से न्यू अपडेट आई है। सिंघम की रिलीज डेट टल गई है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में हम। रोहित शेट्टी की बहुप्रतीक्षित फिल्म की रिलीज की तारीख टल गई है। यह फिल्म 15 अगस्त को सिनेमा घर में दस्तक देने वाली थी। कहा जा रहा था कि शूटिंग पूरी न होने के कारण फिल्म की रिलीज डेट टल गई है। वही मीडिया रिपोर्ट की माने तो फिल्म को इसी साल दिवाली पर रिलीज किया जा सकता है। सिंघम अगेन की रिलीज की तारीख बदलने के बाद लोगों ने तरह तरह के अटकलें लगाना शुरू कर दिया है। कुछ लोगों का कहना यह है कि रोहित शेट्टी, अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की फिल्म पुष्पा 2 से सामना करने से बच रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो रोहित शेट्टी और अजय देवगन बिना रुके दिन रात फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। उनका लक्ष्य था कि फिल्म को 15 अगस्त तक रिलीज कर दिया जाए। कहा जा रहा है कि सिंघम अगेन की कुछ जटिल मार्गों के चलते शूटिंग लंबी खींच रही है। हालांकि रोहित शेट्टी अजय देवगन ने अपनी रफ्तार बरकरार रखी है। वह निर्धारित तारीख पर फिल्म को रिलीज करने के लिए बहुत जोर नहीं दे रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जियो ने रोहित शेट्टी को सुझाव दिया है कि फिल्म को दिवाली पर रिलीज किया जाना चाहिए। अजय देवगन और रोहित भी इस तारीख पर विचार कर रहे हैं। दिवाली की तारीख को ध्यान में रखकर DFS और अन्य कार्यों के लिए अंतिम तारीख निर्धारित की जा रही है। फिल्म में अजय देवगन, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण, करीना कपूर और टाइगर श्रॉफ भी नजर आने वाले हैं। रोहित शेट्टी की सिंघम की में
कई स्टार नजर आने वाले हैं, जिसकी वजह से इसे लेकर बच बना हुआ है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में सिंगम की से न्यू अपडेट आई है, सिंगम की रिलीज डेट टल गई है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में हम। रोहित शेट्टी की बहुप्रतीक्षित फिल्म की रिलीज की तारीख टल गई है। यह फिल्म 15 अगस्त को सिनेमा घर में दस्तक देने वाली थी। कहा जा रहा था कि शूटिंग पूरी न होने के कारण फिल्म की रिलीज डेट टल गई है। वही मीडिया रिपोर्ट की माने तो फिल्म को इसी साल दिवाली पर रिलीज किया जा सकता है। सिंगम अगेन की रिलीज की तारीख बदलने के बाद लोगों ने तरह तरह के अटकलें लगाना शुरू कर दिया है। कुछ लोगों का कहना यह है कि रोहित शेट्टी, अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की फिल्म पुष्पा 2 से सामना करने से बच रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो रोहित शेट्टी और अजय देवगन बिना रुके दिन रात फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। उनका लक्ष्य था कि फिल्म को 15 अगस्त तक रिलीज कर दिया जाए। कहा जा रहा है कि सिंगम अगेन की कुछ जटिल मार्गों के चलते शूटिंग लंबी खींच रही है। हालांकि रोहित शेट्टी, अजय देवगन ने अपनी रफ्तार बरकरार रखी है। वह निर्धारित तारीख पर फिल्म को रिलीज करने के लिए बहुत जोर नहीं दे रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जियो ने रोहित शेट्टी को सुझाव दिया है कि फिल्म को दिवाली पर रिलीज किया जाना चाहिए। अजय देवगन और रोहित भी इस तारीख पर विचार कर रहे हैं। दिवाली की तारीख को ध्यान में रखकर DFF और अन्य कार्यों के लिए अंतिम तारीख निर्धारित की जा रही है। फिल्म में अजय देवगन, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण, करीना कपूर और टाइगर श्रॉफ भी नजर आने वाले हैं। रोहित शेट्टी की सिंगम की में कई स्टार नजर आने वाले हैं, जिसकी वजह से इसे लेकर बच बना हुआ है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में सिंगम की से न्यू अपडेट आई है, सिंगम की रिलीज डेट टल गई है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में हम। रोहित शेट्टी की बहुप्रतीक्षित फिल्म की रिलीज की तारीख टल गई है। यह फिल्म 15 अगस्त को सिनेमा घर में दस्तक देने वाली थी। कहा जा रहा था कि शूटिंग पूरी न होने के कारण फिल्म की रिलीज डेट टल गई है। वही मीडिया रिपोर्ट की माने तो फिल्म को इसी साल दिवाली पर रिलीज किया जा सकता है। सिंगम अगेन की रिलीज की तारीख बदलने के बाद लोगों ने तरह तरह के अटकलें लगाना शुरू कर दिया है। कुछ लोगों का कहना यह है कि रोहित शेट्टी, अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की फिल्म पुष्पा 2 से सामना करने से बच रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो रोहित शेट्टी और अजय देवगन बिना रुके दिन रात फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। उनका लक्ष्य था कि फिल्म को 15 अगस्त तक रिलीज कर दिया जाए। कहा जा रहा है कि सिंगम अगेन की कुछ जटिल मार्गों के चलते शूटिंग लंबी खींच रही है। हालांकि रोहित शेट्टी, अजय देवगन ने अपनी रफ्तार बरकरार रखी है। वह निर्धारित तारीख पर फिल्म को रिलीज करने के लिए बहुत जोर नहीं दे रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जियो ने रोहित शेट्टी को सुझाव दिया है कि फिल्म को दिवाली पर रिलीज किया जाना चाहिए। अजय देवगन और रोहित भी इस तारीख पर विचार कर रहे हैं। दिवाली की तारीख को ध्यान में रखकर DFF और अन्य कार्यों के लिए अंतिम तारीख निर्धारित की जा रही है। फिल्म में अजय देवगन, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण, करीना कपूर और टाइगर श्रॉफ भी नजर आने वाले हैं। रोहित शेट्टी की सिंगम की में कई स्टार नजर आने वाले हैं, जिसकी वजह से इसे लेकर बच बना हुआ है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में सिंगम की से न्यू अपडेट आई है, सिंगम की रिलीज डेट टल गई है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में हम। रोहित शेट्टी की बहुप्रतीक्षित फिल्म की रिलीज की तारीख टल गई है। यह फिल्म 15 अगस्त को सिनेमा घर में दस्तक देने वाली थी। कहा जा रहा था कि शूटिंग पूरी न होने के कारण फिल्म की रिलीज डेट टल गई है। वही मीडिया रिपोर्ट की माने तो फिल्म को इसी साल दिवाली पर रिलीज किया जा सकता है। सिंगम अगेन की रिलीज की तारीख बदलने के बाद लोगों ने तरह तरह के अटकलें लगाना शुरू कर दिया है। कुछ लोगों का कहना यह है कि रोहित शेट्टी, अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की फिल्म पुष्पा 2 से सामना करने से बच रहे हैं।
मीडिया रिपोर्ट की माने तो रोहित शेट्टी और अजय देवगन बिना रुके दिन रात फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। उनका लक्ष्य था कि फिल्म को 15 अगस्त तक रिलीज कर दिया जाए। कहा जा रहा है कि सिंघम अगेन की कुछ जटिल मार्गों के चलते शूटिंग लंबी खींच रही है। हालांकि रोहित शेट्टी अजय देवगन ने अपनी रफ्तार बरकरार रखी है। वह निर्धारित तारीख पर फिल्म को रिलीज करने के लिए बहुत जोर नहीं दे रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जियो ने रोहित शेट्टी को सुझाव दिया है कि फिल्म को दिवाली पर रिलीज किया जाना चाहिए। अजय देवगन और रोहित भी इस तारीख पर विचार कर रहे हैं। दिवाली की तारीख को ध्यान में रखकर VFX और अन्य कार्यों के लिए अंतिम तारीख निर्धारित की जा रही है। फिल्म में अजय देवगन, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण, करीना कपूर और टाइगर श्रॉफ भी नजर आने वाले हैं। रोहित शेट्टी की सिंघम की में कई स्टार नजर आने वाले हैं, जिसकी वजह से इसे लेकर बच बना हुआ है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में सिंघम की से न्यू अपडेट आई है। सिंघम की रिलीज डेट टल गई है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में हम। रोहित शेट्टी की बहुप्रतीक्षित फिल्म की रिलीज की तारीख टल गई है। यह फिल्म 15 अगस्त को सिनेमा घर में दस्तक देने वाली थी। कहा जा रहा था कि शूटिंग पूरी न होने के कारण फिल्म की रिलीज डेट टल गई है। वही मीडिया रिपोर्ट की माने तो फिल्म को इसी साल दिवाली पर रिलीज किया जा सकता है। सिंघम अगेन की रिलीज की तारीख बदलने के बाद लोगों ने तरह तरह के अटकलें लगाना शुरू कर दिया है। कुछ लोगों का कहना यह है कि रोहित शेट्टी, अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की फिल्म पुष्पा 2 से सामना करने से बच रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो रोहित शेट्टी और अजय देवगन बिना रुके दिन रात फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। उनका लक्ष्य था कि फिल्म को 15 अगस्त तक रिलीज कर दिया जाए। कहा जा रहा है कि सिंघम अगेन की कुछ जटिल मार्गों के चलते शूटिंग लंबी खींच रही है। हालांकि रोहित शेट्टी अजय देवगन ने अपनी रफ्तार बरकरार रखी है। वह निर्धारित तारीख पर फिल्म को रिलीज करने के लिए बहुत जोर नहीं दे रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जियो ने रोहित शेट्टी को सुझाव दिया है कि फिल्म को दिवाली पर रिलीज किया जाना चाहिए। अजय देवगन और रोहित भी इस तारीख पर विचार कर रहे हैं। दिवाली की तारीख को ध्यान में रखकर VFX और अन्य कार्यों के लिए अंतिम तारीख निर्धारित की जा रही है। फिल्म में अजय देवगन, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण, करीना कपूर और टाइगर श्रॉफ भी नजर आने वाले हैं। रोहित शेट्टी की सिंघम की में कई स्टार नजर आने वाले हैं, जिसकी वजह से इसे लेकर बच बना हुआ है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में सिंघम की से न्यू अपडेट आई है। सिंघम की रिलीज डेट टल गई है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में हम। रोहित शेट्टी की बहुप्रतीक्षित फिल्म की रिलीज की तारीख टल गई है। यह फिल्म 15 अगस्त को सिनेमा घर में दस्तक देने वाली थी। कहा जा रहा था कि शूटिंग पूरी न होने के कारण फिल्म की रिलीज डेट टल गई है। वही मीडिया रिपोर्ट की माने तो फिल्म को इसी साल दिवाली पर रिलीज किया जा सकता है। सिंघम अगेन की रिलीज की तारीख बदलने के बाद लोगों ने तरह तरह के अटकलें लगाना शुरू कर दिया है। कुछ लोगों का कहना यह है कि रोहित शेट्टी, अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की फिल्म पुष्पा 2 से सामना करने से बच रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो रोहित शेट्टी और अजय देवगन बिना रुके दिन रात फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। उनका लक्ष्य था कि फिल्म को 15 अगस्त तक रिलीज कर दिया जाए। कहा जा रहा है कि सिंघम अगेन की कुछ जटिल मार्गों के चलते शूटिंग लंबी खींच रही है। हालांकि रोहित शेट्टी अजय देवगन ने अपनी रफ्तार बरकरार रखी है। वह निर्धारित तारीख पर फिल्म को रिलीज करने के लिए बहुत जोर नहीं दे रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जियो ने रोहित शेट्टी को सुझाव दिया है कि फिल्म को दिवाली पर रिलीज किया जाना चाहिए। अजय देवगन और रोहित भी इस तारीख पर विचार कर रहे हैं। दिवाली की तारीख को ध्यान में रखकर VFX और अन्य कार्यों के लिए अंतिम तारीख निर्धारित की जा रही है। फिल्म में अजय देवगन, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण, करीना कपूर
और टाइगर श्रॉफ भी नजर आने वाले हैं। रोहित शेट्टी की सिंघम की में कई स्टार नजर आने वाले हैं, जिसकी वजह से इसे लेकर बच बना हुआ है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में सिंघम की से न्यू अपडेट आई है। सिंघम की रिलीज डेट टल गई है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में हम। रोहित शेट्टी की बहु प्रतीक्षित फिल्म की रिलीज की तारीख टल गई है। यह फिल्म 15 अगस्त को सिनेमा घर में दस्तक देने वाली थी। कहा जा रहा था कि शूटिंग पूरी न होने के कारण फिल्म की रिलीज डेट टल गई है। वही मीडिया रिपोर्ट की माने तो फिल्म को इसी साल दिवाली पर रिलीज किया जा सकता है। सिंघम अगेन की रिलीज की तारीख बदलने के बाद लोगों ने तरह तरह के अटकलें लगाना शुरू कर दिया है। कुछ लोगों का कहना यह है कि रोहित शेट्टी, अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की फिल्म पुष्पा 2 से सामना करने से बच रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो रोहित शेट्टी और अजय देवगन बिना रुके दिन रात फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। उनका लक्ष्य था कि फिल्म को 15 अगस्त तक रिलीज कर दिया जाए। कहा जा रहा है कि सिंघम अगेन की कुछ जटिल मार्गों के चलते शूटिंग लंबी खींच रही है। हालांकि रोहित शेट्टी अजय देवगन ने अपनी रफ्तार बरकरार रखी है। वह निर्धारित तारीख पर फिल्म को रिलीज करने के लिए बहुत जोर नहीं दे रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जियो ने रोहित शेट्टी को सुझाव दिया है कि फिल्म को दिवाली पर रिलीज किया जाना चाहिए। अजय देवगन और रोहित भी इस तारीख पर विचार कर रहे हैं। दिवाली की तारीख को ध्यान में रखकर VFX और अन्य कार्यों के लिए अंतिम तारीख निर्धारित की जा रही है। फिल्म में अजय देवगन, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण, करीना कपूर और टाइगर श्रॉफ भी नजर आने वाले हैं। रोहित शेट्टी की सिंघम की में कई स्टार नजर आने वाले हैं, जिसकी वजह से इसे लेकर बच बना हुआ है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में सिंघम की से न्यू अपडेट आई है। सिंघम की रिलीज डेट टल गई है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में हम। रोहित शेट्टी की बहु प्रतीक्षित फिल्म की रिलीज की तारीख टल गई है। यह फिल्म 15 अगस्त को सिनेमा घर में दस्तक देने वाली थी। कहा जा रहा था कि शूटिंग पूरी न होने के कारण फिल्म की रिलीज डेट टल गई है। वही मीडिया रिपोर्ट की माने तो फिल्म को इसी साल दिवाली पर रिलीज किया जा सकता है। सिंघम अगेन की रिलीज की तारीख बदलने के बाद लोगों ने तरह तरह के अटकलें लगाना शुरू कर दिया है। कुछ लोगों का कहना यह है कि रोहित शेट्टी, अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की फिल्म पुष्पा 2 से सामना करने से बच रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो रोहित शेट्टी और अजय देवगन बिना रुके दिन रात फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। उनका लक्ष्य था कि फिल्म को 15 अगस्त तक रिलीज कर दिया जाए। कहा जा रहा है कि सिंघम अगेन की कुछ जटिल मार्गों के चलते शूटिंग लंबी खींच रही है। हालांकि रोहित शेट्टी अजय देवगन ने अपनी रफ्तार बरकरार रखी है। वह निर्धारित तारीख पर फिल्म को रिलीज करने के लिए बहुत जोर नहीं दे रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जियो ने रोहित शेट्टी को सुझाव दिया है कि फिल्म को दिवाली पर रिलीज किया जाना चाहिए। अजय देवगन और रोहित भी इस तारीख पर विचार कर रहे हैं। दिवाली की तारीख को ध्यान में रखकर VFX और अन्य कार्यों के लिए अंतिम तारीख निर्धारित की जा रही है। फिल्म में अजय देवगन, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण, करीना कपूर और टाइगर श्रॉफ भी नजर आने वाले हैं। रोहित शेट्टी की सिंघम की में कई स्टार नजर आने वाले हैं, जिसकी वजह से इसे लेकर बच बना हुआ है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में सिंघम की से न्यू अपडेट आई है। सिंघम की रिलीज डेट टल गई है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में हम। रोहित शेट्टी की बहु प्रतीक्षित फिल्म की रिलीज की तारीख टल गई है। यह फिल्म 15 अगस्त को सिनेमा घर में दस्तक देने वाली थी। कहा जा रहा था कि शूटिंग पूरी न होने के कारण फिल्म की रिलीज डेट टल गई है। वही मीडिया रिपोर्ट की माने तो फिल्म को इसी साल दिवाली पर रिलीज किया जा सकता है। सिंघम अगेन की रिलीज की तारीख बदलने के बाद लोगों ने तरह तरह के अटकलें लगाना शुरू कर दिया है। कुछ लोगों का कहना यह है कि रोहित शेट्टी,
अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की फिल्म पुष्पा 2 से सामना करने से बच रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के माने तो रोहित शेट्टी और अजय देवगन बिना रुके दिन रात फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। उनका लक्ष्य था कि फिल्म को 15 अगस्त तक रिलीज कर दिया जाए। कहा जा रहा है कि सिंघम अगेन की कुछ जटिल मार्गों के चलते शूटिंग लंबी खींच रही है। हालांकि रोहित शेट्टी अजय देवगन ने अपनी रफ्तार बरकरार रखी है। वह निर्धारित तारीख पर फिल्म को रिलीज करने के लिए बहुत जोर नहीं दे रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जियो ने रोहित शेट्टी को सुझाव दिया है कि फिल्म को दिवाली पर रिलीज किया जाना चाहिए। अजय देवगन और रोहित भी इस तारीख पर विचार कर रहे हैं। दिवाली की तारीख को ध्यान में रखकर VFX और अन्य कार्यों के लिए अंतिम तारीख निर्धारित की जा रही है। फिल्म में अजय देवगन, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण, करीना कपूर और टाइगर श्रॉफ भी नजर आने वाले हैं। रोहित शेट्टी की सिंघम की में कई स्टार नजर आने वाले हैं, जिसकी वजह से इसे लेकर बच बना हुआ है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में सिंघम की से न्यू अपडेट आई है। सिंघम की रिलीज डेट टल गई है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में हम। रोहित शेट्टी की बहुप्रतीक्षित फिल्म की रिलीज की तारीख टल गई है। यह फिल्म 15 अगस्त को सिनेमा घर में दस्तक देने वाली थी। कहा जा रहा था कि शूटिंग पूरी न होने के कारण फिल्म की रिलीज डेट टल गई है। वही मीडिया रिपोर्ट की माने तो फिल्म को इसी साल दिवाली पर रिलीज किया जा सकता है। सिंघम अगेन की रिलीज की तारीख बदलने के बाद लोगों ने तरह तरह के अटकलें लगाना शुरू कर दिया है। कुछ लोगों का कहना यह है कि रोहित शेट्टी, अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की फिल्म पुष्पा 2 से सामना करने से बच रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो रोहित शेट्टी और अजय देवगन बिना रुके दिन रात फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। उनका लक्ष्य था कि फिल्म को 15 अगस्त तक रिलीज कर दिया जाए। कहा जा रहा है कि सिंघम अगेन की कुछ जटिल मार्गों के चलते शूटिंग लंबी खींच रही है। हालांकि रोहित शेट्टी अजय देवगन ने अपनी रफ्तार बरकरार रखी है। वह निर्धारित तारीख पर फिल्म को रिलीज करने के लिए बहुत जोर नहीं दे रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जियो ने रोहित शेट्टी को सुझाव दिया है कि फिल्म को दिवाली पर रिलीज किया जाना चाहिए। अजय देवगन और रोहित भी इस तारीख पर विचार कर रहे हैं। दिवाली की तारीख को ध्यान में रखकर VFX और अन्य कार्यों के लिए अंतिम तारीख निर्धारित की जा रही है। फिल्म में अजय देवगन, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण, करीना कपूर और टाइगर श्रॉफ भी नजर आने वाले हैं। रोहित शेट्टी की सिंघम की में कई स्टार नजर आने वाले हैं, जिसकी वजह से इसे लेकर बच बना हुआ है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में सिंघम की से न्यू अपडेट आई है। सिंघम की रिलीज डेट टल गई है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में हम। रोहित शेट्टी की बहुप्रतीक्षित फिल्म की रिलीज की तारीख टल गई है। यह फिल्म 15 अगस्त को सिनेमा घर में दस्तक देने वाली थी। कहा जा रहा था कि शूटिंग पूरी न होने के कारण फिल्म की रिलीज डेट टल गई है। वही मीडिया रिपोर्ट की माने तो फिल्म को इसी साल दिवाली पर रिलीज किया जा सकता है। सिंघम अगेन की रिलीज की तारीख बदलने के बाद लोगों ने तरह तरह के अटकलें लगाना शुरू कर दिया है। कुछ लोगों का कहना यह है कि रोहित शेट्टी, अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की फिल्म पुष्पा 2 से सामना करने से बच रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो रोहित शेट्टी और अजय देवगन बिना रुके दिन रात फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। उनका लक्ष्य था कि फिल्म को 15 अगस्त तक रिलीज कर दिया जाए। कहा जा रहा है कि सिंघम अगेन की कुछ जटिल मार्गों के चलते शूटिंग लंबी खींच रही है। हालांकि रोहित शेट्टी अजय देवगन ने अपनी रफ्तार बरकरार रखी है। वह निर्धारित तारीख पर फिल्म को रिलीज करने के लिए बहुत जोर नहीं दे रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जियो ने रोहित शेट्टी को सुझाव दिया है कि फिल्म को दिवाली पर रिलीज किया जाना चाहिए। अजय देवगन और रोहित भी इस तारीख पर विचार कर रहे हैं। दिवाली की तारीख को ध्यान में रखकर VFX और अन्य कार्यों के लिए अंतिम तारीख निर्धारित की जा रही है। फिल्म में
अजय देवगन, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण, करीना कपूर और टाइगर श्रॉफ भी नजर आने वाले हैं। रोहित शेट्टी की सिंघम की में कई स्टार नजर आने वाले हैं, जिसकी वजह से इसे लेकर बच बना हुआ है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में सिंघम की से न्यू अपडेट आई है। सिंघम की रिलीज डेट टल गई है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में हम। रोहित शेट्टी की बहुप्रतीक्षित फिल्म की रिलीज की तारीख टल गई है। यह फिल्म 15 अगस्त को सिनेमा घर में दस्तक देने वाली थी। कहा जा रहा था कि शूटिंग पूरी न होने के कारण फिल्म की रिलीज डेट टल गई है। वही मीडिया रिपोर्ट की माने तो फिल्म को इसी साल दिवाली पर रिलीज किया जा सकता है। सिंघम अगेन की रिलीज की तारीख बदलने के बाद लोगों ने तरह तरह के अटकलें लगाना शुरू कर दिया है। कुछ लोगों का कहना यह है कि रोहित शेट्टी, अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की फिल्म पुष्पा 2 से सामना करने से बच रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के माने तो रोहित शेट्टी और अजय देवगन बिना रुके दिन रात फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। उनका लक्ष्य था कि फिल्म को 15 अगस्त तक रिलीज कर दिया जाए। कहा जा रहा है कि सिंघम अगेन की कुछ जटिल मार्गों के चलते शूटिंग लंबी खींच रही है। हालांकि रोहित शेट्टी, अजय देवगन ने अपनी रफ्तार बरकरार रखी है। वह निर्धारित तारीख पर फिल्म को रिलीज करने के लिए बहुत जोर नहीं दे रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जियो ने रोहित शेट्टी को सुझाव दिया है कि फिल्म को दिवाली पर रिलीज किया जाना चाहिए। अजय देवगन और रोहित भी इस तारीख पर विचार कर रहे हैं। दिवाली की तारीख को ध्यान में रखकर VFX और अन्य कार्यों के लिए अंतिम तारीख निर्धारित की जा रही है। फिल्म में अजय देवगन, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण, करीना कपूर और टाइगर श्रॉफ भी नजर आने वाले हैं। रोहित शेट्टी की सिंघम की में कई स्टार नजर आने वाले हैं, जिसकी वजह से इसे लेकर बच बना हुआ है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में सिंघम की से न्यू अपडेट आई है। सिंघम की रिलीज डेट टल गई है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में हम। रोहित शेट्टी की बहुप्रतीक्षित फिल्म की रिलीज की तारीख टल गई है। यह फिल्म 15 अगस्त को सिनेमा घर में दस्तक देने वाली थी। कहा जा रहा था कि शूटिंग पूरी न होने के कारण फिल्म की रिलीज डेट टल गई है। वही मीडिया रिपोर्ट की माने तो फिल्म को इसी साल दिवाली पर रिलीज किया जा सकता है। सिंघम अगेन की रिलीज की तारीख बदलने के बाद लोगों ने तरह तरह के अटकलें लगाना शुरू कर दिया है। कुछ लोगों का कहना यह है कि रोहित शेट्टी, अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की फिल्म पुष्पा 2 से सामना करने से बच रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के माने तो रोहित शेट्टी और अजय देवगन बिना रुके दिन रात फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। उनका लक्ष्य था कि फिल्म को 15 अगस्त तक रिलीज कर दिया जाए। कहा जा रहा है कि सिंघम अगेन की कुछ जटिल मार्गों के चलते शूटिंग लंबी खींच रही है। हालांकि रोहित शेट्टी, अजय देवगन ने अपनी रफ्तार बरकरार रखी है। वह निर्धारित तारीख पर फिल्म को रिलीज करने के लिए बहुत जोर नहीं दे रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जियो ने रोहित शेट्टी को सुझाव दिया है कि फिल्म को दिवाली पर रिलीज किया जाना चाहिए। अजय देवगन और रोहित भी इस तारीख पर विचार कर रहे हैं। दिवाली की तारीख को ध्यान में रखकर VFX और अन्य कार्यों के लिए अंतिम तारीख निर्धारित की जा रही है। फिल्म में अजय देवगन, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण, करीना कपूर और टाइगर श्रॉफ भी नजर आने वाले हैं। रोहित शेट्टी की सिंघम की में कई स्टार नजर आने वाले हैं, जिसकी वजह से इसे लेकर बच बना हुआ है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में सिंघम की से न्यू अपडेट आई है। सिंघम की रिलीज डेट टल गई है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में हम। रोहित शेट्टी की बहुप्रतीक्षित फिल्म की रिलीज की तारीख टल गई है। यह फिल्म 15 अगस्त को सिनेमा घर में दस्तक देने वाली थी। कहा जा रहा था कि शूटिंग पूरी न होने के कारण फिल्म की रिलीज डेट टल गई है। वही मीडिया रिपोर्ट की माने तो फिल्म को इसी साल दिवाली पर रिलीज किया जा सकता है।
सिंघम अगेन की रिलीज की तारीख बदलने के बाद लोगों ने तरह तरह के अटकलें लगाना शुरू कर दिया है। कुछ लोगों का कहना यह है कि रोहित शेट्टी, अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की फिल्म पुष्पा 2 से सामना करने से बच रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के माने तो रोहित शेट्टी और अजय देवगन बिना रुके दिन रात फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। उनका लक्ष्य था कि फिल्म को 15 अगस्त तक रिलीज कर दिया जाए। कहा जा रहा है कि सिंघम अगेन की कुछ जटिल मार्गों के चलते शूटिंग लंबी खींच रही है। हालांकि रोहित शेट्टी, अजय देवगन ने अपनी रफ्तार बरकरार रखी है। वह निर्धारित तारीख पर फिल्म को रिलीज करने के लिए बहुत जोर नहीं दे रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जियो ने रोहित शेट्टी को सुझाव दिया है कि फिल्म को दिवाली पर रिलीज किया जाना चाहिए। अजय देवगन और रोहित भी इस तारीख पर विचार कर रहे हैं। दिवाली की तारीख को ध्यान में रखकर DFF और अन्य कार्यों के लिए अंतिम तारीख निर्धारित की जा रही है। फिल्म में अजय देवगन, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण, करीना कपूर और टाइगर श्रॉफ भी नजर आने वाले हैं। रोहित शेट्टी की सिंघम की में कई स्टार नजर आने वाले हैं, जिसकी वजह से इसे लेकर बच बना हुआ है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में सिंघम की से न्यू अपडेट आई है। सिंघम की रिलीज डेट टल गई है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में हम। रोहित शेट्टी की बहुप्रतीक्षित फिल्म की रिलीज की तारीख टल गई है। यह फिल्म 15 अगस्त को सिनेमा घर में दस्तक देने वाली थी। कहा जा रहा था कि शूटिंग पूरी न होने के कारण फिल्म की रिलीज डेट टल गई है। वही मीडिया रिपोर्ट की माने तो फिल्म को इसी साल दिवाली पर रिलीज किया जा सकता है। सिंघम अगेन की रिलीज की तारीख बदलने के बाद लोगों ने तरह तरह के अटकलें लगाना शुरू कर दिया है। कुछ लोगों का कहना यह है कि रोहित शेट्टी, अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की फिल्म पुष्पा 2 से सामना करने से बच रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो रोहित शेट्टी और अजय देवगन बिना रुके दिन रात फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। उनका लक्ष्य था कि फिल्म को 15 अगस्त तक रिलीज कर दिया जाए। कहा जा रहा है कि सिंघम अगेन की कुछ जटिल मार्गों के चलते शूटिंग लंबी खींच रही है। हालांकि रोहित शेट्टी, अजय देवगन ने अपनी रफ्तार बरकरार रखी है। वह निर्धारित तारीख पर फिल्म को रिलीज करने के लिए बहुत जोर नहीं दे रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जियो ने रोहित शेट्टी को सुझाव दिया है कि फिल्म को दिवाली पर रिलीज किया जाना चाहिए। अजय देवगन और रोहित भी इस तारीख पर विचार कर रहे हैं। दिवाली की तारीख को ध्यान में रखकर DFF और अन्य कार्यों के लिए अंतिम तारीख निर्धारित की जा रही है। फिल्म में अजय देवगन, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण, करीना कपूर और टाइगर श्रॉफ भी नजर आने वाले हैं। रोहित शेट्टी की सिंघम की में कई स्टार नजर आने वाले हैं, जिसकी वजह से इसे लेकर बच बना हुआ है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में सिंघम की से न्यू अपडेट आई है। सिंघम की रिलीज डेट टल गई है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में हम। रोहित शेट्टी की बहुप्रतीक्षित फिल्म की रिलीज की तारीख टल गई है। यह फिल्म 15 अगस्त को सिनेमा घर में दस्तक देने वाली थी। कहा जा रहा था कि शूटिंग पूरी न होने के कारण फिल्म की रिलीज डेट टल गई है। वही मीडिया रिपोर्ट की माने तो फिल्म को इसी साल दिवाली पर रिलीज किया जा सकता है। सिंघम अगेन की रिलीज की तारीख बदलने के बाद लोगों ने तरह तरह के अटकलें लगाना शुरू कर दिया है। कुछ लोगों का कहना यह है कि रोहित शेट्टी, अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की फिल्म पुष्पा 2 से सामना करने से बच रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो रोहित शेट्टी और अजय देवगन बिना रुके दिन रात फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। उनका लक्ष्य था कि फिल्म को 15 अगस्त तक रिलीज कर दिया जाए। कहा जा रहा है कि सिंघम अगेन की कुछ जटिल मार्गों के चलते शूटिंग लंबी खींच रही है। हालांकि रोहित शेट्टी, अजय देवगन ने अपनी रफ्तार बरकरार रखी है। वह निर्धारित तारीख पर फिल्म को रिलीज करने के लिए बहुत जोर नहीं दे रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जियो ने रोहित शेट्टी को सुझाव दिया है कि फिल्म को दिवाली पर रिलीज किया जाना चाहिए। अजय देवगन और रोहित भी इस तारीख पर विचार कर रहे हैं।
दिवाली की तारीख को ध्यान में रखकर DFS और अन्य कार्यों के लिए अंतिम तारीख निर्धारित की जा रही है। फिल्म में अजय देवगन, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण, करीना कपूर और टाइगर श्रॉफ भी नजर आने वाले हैं। रोहित शेट्टी की सिंघम की में कई स्टार नजर आने वाले हैं, जिसकी वजह से इसे लेकर बच बना हुआ है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में सिंघम की से न्यू अपडेट आई है। सिंघम की रिलीज डेट टल गई है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में हम। रोहित शेट्टी की बहुप्रतीक्षित फिल्म की रिलीज की तारीख टल गई है। यह फिल्म 15 अगस्त को सिनेमा घर में दस्तक देने वाली थी। कहा जा रहा था कि शूटिंग पूरी न होने के कारण फिल्म की रिलीज डेट टल गई है। वही मीडिया रिपोर्ट की माने तो फिल्म को इसी साल दिवाली पर रिलीज किया जा सकता है। सिंघम अगेन की रिलीज की तारीख बदलने के बाद लोगों ने तरह तरह के अटकलें लगाना शुरू कर दिया है। कुछ लोगों का कहना यह है कि रोहित शेट्टी, अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की फिल्म पुष्पा 2 से सामना करने से बच रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो रोहित शेट्टी और अजय देवगन बिना रुके दिन रात फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। उनका लक्ष्य था कि फिल्म को 15 अगस्त तक रिलीज कर दिया जाए। कहा जा रहा है कि सिंघम अगेन की कुछ जटिल मार्गों के चलते शूटिंग लंबी खींच रही है। हालांकि रोहित शेट्टी, अजय देवगन ने अपनी रफ्तार बरकरार रखी है। वह निर्धारित तारीख पर फिल्म को रिलीज करने के लिए बहुत जोर नहीं दे रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जियो ने रोहित शेट्टी को सुझाव दिया है कि फिल्म को दिवाली पर रिलीज किया जाना चाहिए। अजय देवगन और रोहित भी इस तारीख पर विचार कर रहे हैं। दिवाली की तारीख को ध्यान में रखकर DFS और अन्य कार्यों के लिए अंतिम तारीख निर्धारित की जा रही है। फिल्म में अजय देवगन, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण, करीना कपूर और टाइगर श्रॉफ भी नजर आने वाले हैं। रोहित शेट्टी की सिंघम की में कई स्टार नजर आने वाले हैं, जिसकी वजह से इसे लेकर बच बना हुआ है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में सिंघम की से न्यू अपडेट आई है। सिंघम की रिलीज डेट टल गई है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में हम। रोहित शेट्टी की बहुप्रतीक्षित फिल्म की रिलीज की तारीख टल गई है। यह फिल्म 15 अगस्त को सिनेमा घर में दस्तक देने वाली थी। कहा जा रहा था कि शूटिंग पूरी न होने के कारण फिल्म की रिलीज डेट टल गई है। वही मीडिया रिपोर्ट की माने तो फिल्म को इसी साल दिवाली पर रिलीज किया जा सकता है। सिंघम अगेन की रिलीज की तारीख बदलने के बाद लोगों ने तरह तरह के अटकलें लगाना शुरू कर दिया है। कुछ लोगों का कहना यह है कि रोहित शेट्टी, अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की फिल्म पुष्पा 2 से सामना करने से बच रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो रोहित शेट्टी और अजय देवगन बिना रुके दिन रात फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। उनका लक्ष्य था कि फिल्म को 15 अगस्त तक रिलीज कर दिया जाए। कहा जा रहा है कि सिंघम अगेन की कुछ जटिल मार्गों के चलते शूटिंग लंबी खींच रही है। हालांकि रोहित शेट्टी, अजय देवगन ने अपनी रफ्तार बरकरार रखी है। वह निर्धारित तारीख पर फिल्म को रिलीज करने के लिए बहुत जोर नहीं दे रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जियो ने रोहित शेट्टी को सुझाव दिया है कि फिल्म को दिवाली पर रिलीज किया जाना चाहिए। अजय देवगन और रोहित भी इस तारीख पर विचार कर रहे हैं। दिवाली की तारीख को ध्यान में रखकर DFS और अन्य कार्यों के लिए अंतिम तारीख निर्धारित की जा रही है। फिल्म में अजय देवगन, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण, करीना कपूर और टाइगर श्रॉफ भी नजर आने वाले हैं। रोहित शेट्टी की सिंघम की में कई स्टार नजर आने वाले हैं, जिसकी वजह से इसे लेकर बच बना हुआ है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में सिंघम की से न्यू अपडेट आई है। सिंघम की रिलीज डेट टल गई है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में हम। रोहित शेट्टी की बहुप्रतीक्षित फिल्म की रिलीज की तारीख टल गई है। यह फिल्म 15 अगस्त को सिनेमा घर में दस्तक देने वाली थी। कहा जा रहा था कि शूटिंग पूरी न होने के कारण फिल्म की रिलीज डेट टल गई है।
वहीं मीडिया रिपोर्ट की माने तो फिल्म को इसी साल दिवाली पर रिलीज किया जा सकता है। सिंघम अगेन की रिलीज की तारीख बदलने के बाद लोगों ने तरह तरह के अटकलें लगाना शुरू कर दिया है। कुछ लोगों का कहना यह है कि रोहित शेट्टी, अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की फिल्म पुष्पा 2 से सामना करने से बच रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो रोहित शेट्टी और अजय देवगन बिना रुके दिन रात फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। उनका लक्ष्य था कि फिल्म को 15 अगस्त तक रिलीज कर दिया जाए। कहा जा रहा है कि सिंघम अगेन की कुछ जटिल मार्गों के चलते शूटिंग लंबी खींच रही है। हालांकि रोहित शेट्टी, अजय देवगन ने अपनी रफ्तार बरकरार रखी है। वह निर्धारित तारीख पर फिल्म को रिलीज करने के लिए बहुत जोर नहीं दे रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जियो ने रोहित शेट्टी को सुझाव दिया है कि फिल्म को दिवाली पर रिलीज किया जाना चाहिए। अजय देवगन और रोहित भी इस तारीख पर विचार कर रहे हैं। दिवाली की तारीख को ध्यान में रखकर VFX और अन्य कार्यों के लिए अंतिम तारीख निर्धारित की जा रही है। फिल्म में अजय देवगन, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण, करीना कपूर और टाइगर श्रॉफ भी नजर आने वाले हैं। रोहित शेट्टी की सिंघम 3 में कई स्टार नजर आने वाले हैं, जिसकी वजह से इसे लेकर बच बना हुआ है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में सिंघम 3 से न्यू अपडेट आई है। सिंघम की रिलीज डेट टल गई है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में हम। रोहित शेट्टी की बहुप्रतीक्षित फिल्म की रिलीज की तारीख टल गई है। यह फिल्म 15 अगस्त को सिनेमा घर में दस्तक देने वाली थी। कहा जा रहा था कि शूटिंग पूरी न होने के कारण फिल्म की रिलीज डेट टल गई है। वहीं मीडिया रिपोर्ट की माने तो फिल्म को इसी साल दिवाली पर रिलीज किया जा सकता है। सिंघम अगेन की रिलीज की तारीख बदलने के बाद लोगों ने तरह तरह के अटकलें लगाना शुरू कर दिया है। कुछ लोगों का कहना यह है कि रोहित शेट्टी, अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की फिल्म पुष्पा 2 से सामना करने से बच रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो रोहित शेट्टी और अजय देवगन बिना रुके दिन रात फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। उनका लक्ष्य था कि फिल्म को 15 अगस्त तक रिलीज कर दिया जाए। कहा जा रहा है कि सिंघम अगेन की कुछ जटिल मार्गों के चलते शूटिंग लंबी खींच रही है। हालांकि रोहित शेट्टी, अजय देवगन ने अपनी रफ्तार बरकरार रखी है। वह निर्धारित तारीख पर फिल्म को रिलीज करने के लिए बहुत जोर नहीं दे रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जियो ने रोहित शेट्टी को सुझाव दिया है कि फिल्म को दिवाली पर रिलीज किया जाना चाहिए। अजय देवगन और रोहित भी इस तारीख पर विचार कर रहे हैं। दिवाली की तारीख को ध्यान में रखकर VFX और अन्य कार्यों के लिए अंतिम तारीख निर्धारित की जा रही है। फिल्म में अजय देवगन, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण, करीना कपूर और टाइगर श्रॉफ भी नजर आने वाले हैं। रोहित शेट्टी की सिंघम 3 में कई स्टार नजर आने वाले हैं, जिसकी वजह से इसे लेकर बच बना हुआ है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में सिंघम 3 से न्यू अपडेट आई है। सिंघम की रिलीज डेट टल गई है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में हम। रोहित शेट्टी की बहुप्रतीक्षित फिल्म की रिलीज की तारीख टल गई है। यह फिल्म 15 अगस्त को सिनेमा घर में दस्तक देने वाली थी। कहा जा रहा था कि शूटिंग पूरी न होने के कारण फिल्म की रिलीज डेट टल गई है। वहीं मीडिया रिपोर्ट की माने तो फिल्म को इसी साल दिवाली पर रिलीज किया जा सकता है। सिंघम अगेन की रिलीज की तारीख बदलने के बाद लोगों ने तरह तरह के अटकलें लगाना शुरू कर दिया है। कुछ लोगों का कहना यह है कि रोहित शेट्टी, अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की फिल्म पुष्पा 2 से सामना करने से बच रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो रोहित शेट्टी और अजय देवगन बिना रुके दिन रात फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। उनका लक्ष्य था कि फिल्म को 15 अगस्त तक रिलीज कर दिया जाए। कहा जा रहा है कि सिंघम अगेन की कुछ जटिल मार्गों के चलते शूटिंग लंबी खींच रही है। हालांकि रोहित शेट्टी, अजय देवगन ने अपनी रफ्तार बरकरार रखी है। वह निर्धारित तारीख पर फिल्म को रिलीज करने के लिए बहुत जोर नहीं दे रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जियो ने रोहित शेट्टी को
सुझाव दिया है कि फिल्म को दिवाली पर रिलीज किया जाना चाहिए। अजय देवगन और रोहित भी इस तारीख पर विचार कर रहे हैं। दिवाली की तारीख को ध्यान में रखकर VFX और अन्य कार्यों के लिए अंतिम तारीख निर्धारित की जा रही है। फिल्म में अजय देवगन, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण, करीना कपूर और टाइगर श्रॉफ भी नजर आने वाले हैं। रोहित शेट्टी की सिंघम 3 में कई स्टार नजर आने वाले हैं, जिसकी वजह से इसे लेकर बच बना हुआ है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में सिंघम 3 से न्यू अपडेट आई है। सिंघम की रिलीज डेट टल गई है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में हम। रोहित शेट्टी की बहुप्रतीक्षित फिल्म की रिलीज की तारीख टल गई है। यह फिल्म 15 अगस्त को सिनेमा घर में दस्तक देने वाली थी। कहा जा रहा था कि शूटिंग पूरी न होने के कारण फिल्म की रिलीज डेट टल गई है। वही मीडिया रिपोर्ट की माने तो फिल्म को इसी साल दिवाली पर रिलीज किया जा सकता है। सिंघम अगेन की रिलीज की तारीख बदलने के बाद लोगों ने तरह तरह के अटकलें लगाना शुरू कर दिया है। कुछ लोगों का कहना यह है कि रोहित शेट्टी, अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की फिल्म पुष्पा 2 से सामना करने से बच रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो रोहित शेट्टी और अजय देवगन बिना रुके दिन रात फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। उनका लक्ष्य था कि फिल्म को 15 अगस्त तक रिलीज कर दिया जाए। कहा जा रहा है कि सिंघम अगेन की कुछ जटिल मार्गों के चलते शूटिंग लंबी खींच रही है। हालांकि रोहित शेट्टी, अजय देवगन ने अपनी रफ्तार बरकरार रखी है। वह निर्धारित तारीख पर फिल्म को रिलीज करने के लिए बहुत जोर नहीं दे रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जियो ने रोहित शेट्टी को सुझाव दिया है कि फिल्म को दिवाली पर रिलीज किया जाना चाहिए। अजय देवगन और रोहित भी इस तारीख पर विचार कर रहे हैं। दिवाली की तारीख को ध्यान में रखकर VFX और अन्य कार्यों के लिए अंतिम तारीख निर्धारित की जा रही है। फिल्म में अजय देवगन, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण, करीना कपूर और टाइगर श्रॉफ भी नजर आने वाले हैं। रोहित शेट्टी की सिंघम 3 में कई स्टार नजर आने वाले हैं, जिसकी वजह से इसे लेकर बच बना हुआ है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में सिंघम 3 से न्यू अपडेट आई है। सिंघम की रिलीज डेट टल गई है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में हम। रोहित शेट्टी की बहुप्रतीक्षित फिल्म की रिलीज की तारीख टल गई है। यह फिल्म 15 अगस्त को सिनेमा घर में दस्तक देने वाली थी। कहा जा रहा था कि शूटिंग पूरी न होने के कारण फिल्म की रिलीज डेट टल गई है। वही मीडिया रिपोर्ट की माने तो फिल्म को इसी साल दिवाली पर रिलीज किया जा सकता है। सिंघम अगेन की रिलीज की तारीख बदलने के बाद लोगों ने तरह तरह के अटकलें लगाना शुरू कर दिया है। कुछ लोगों का कहना यह है कि रोहित शेट्टी, अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की फिल्म पुष्पा 2 से सामना करने से बच रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो रोहित शेट्टी और अजय देवगन बिना रुके दिन रात फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। उनका लक्ष्य था कि फिल्म को 15 अगस्त तक रिलीज कर दिया जाए। कहा जा रहा है कि सिंघम अगेन की कुछ जटिल मार्गों के चलते शूटिंग लंबी खींच रही है। हालांकि रोहित शेट्टी, अजय देवगन ने अपनी रफ्तार बरकरार रखी है। वह निर्धारित तारीख पर फिल्म को रिलीज करने के लिए बहुत जोर नहीं दे रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जियो ने रोहित शेट्टी को सुझाव दिया है कि फिल्म को दिवाली पर रिलीज किया जाना चाहिए। अजय देवगन और रोहित भी इस तारीख पर विचार कर रहे हैं। दिवाली की तारीख को ध्यान में रखकर VFX और अन्य कार्यों के लिए अंतिम तारीख निर्धारित की जा रही है। फिल्म में अजय देवगन, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण, करीना कपूर और टाइगर श्रॉफ भी नजर आने वाले हैं। रोहित शेट्टी की सिंघम 3 में कई स्टार नजर आने वाले हैं, जिसकी वजह से इसे लेकर बच बना हुआ है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में सिंघम 3 से न्यू अपडेट आई है। सिंघम की रिलीज डेट टल गई है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में हम। रोहित शेट्टी की बहुप्रतीक्षित फिल्म की रिलीज की तारीख टल गई है। यह फिल्म 15 अगस्त को सिनेमा घर में दस्तक देने वाली थी।
कहा जा रहा था कि शूटिंग पूरी न होने के कारण फिल्म की रिलीज डेट टल गई है। वही मीडिया रिपोर्ट की माने तो फिल्म को इसी साल दिवाली पर रिलीज किया जा सकता है। सिंगम अगेन की रिलीज की तारीख बदलने के बाद लोगों ने तरह तरह के अटकलें लगाना शुरू कर दिया है। कुछ लोगों का कहना यह है कि रोहित शेट्टी, अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की फिल्म पुष्पा 2 से सामना करने से बच रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो रोहित शेट्टी और अजय देवगन बिना रुके दिन रात फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। उनका लक्ष्य था कि फिल्म को 15 अगस्त तक रिलीज कर दिया जाए। कहा जा रहा है कि सिंगम अगेन की कुछ जटिल मार्गों के चलते शूटिंग लंबी खींच रही है। हालांकि रोहित शेट्टी, अजय देवगन ने अपनी रफ्तार बरकरार रखी है। वह निर्धारित तारीख पर फिल्म को रिलीज करने के लिए बहुत जोर नहीं दे रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जियो ने रोहित शेट्टी को सुझाव दिया है कि फिल्म को दिवाली पर रिलीज किया जाना चाहिए। अजय देवगन और रोहित भी इस तारीख पर विचार कर रहे हैं। दिवाली की तारीख को ध्यान में रखकर DFF और अन्य कार्यों के लिए अंतिम तारीख निर्धारित की जा रही है। फिल्म में अजय देवगन, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण, करीना कपूर और टाइगर श्रॉफ भी नजर आने वाले हैं। रोहित शेट्टी की सिंगम की में कई स्टार नजर आने वाले हैं, जिसकी वजह से इसे लेकर बच बना हुआ है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में सिंगम की से न्यू अपडेट आई है। सिंगम की रिलीज डेट टल गई है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में हम। रोहित शेट्टी की बहुप्रतीक्षित फिल्म की रिलीज की तारीख टल गई है। यह फिल्म 15 अगस्त को सिनेमा घर में दस्तक देने वाली थी। कहा जा रहा था कि शूटिंग पूरी न होने के कारण फिल्म की रिलीज डेट टल गई है। वही मीडिया रिपोर्ट की माने तो फिल्म को इसी साल दिवाली पर रिलीज किया जा सकता है। सिंगम अगेन की रिलीज की तारीख बदलने के बाद लोगों ने तरह तरह के अटकलें लगाना शुरू कर दिया है। कुछ लोगों का कहना यह है कि रोहित शेट्टी, अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की फिल्म पुष्पा 2 से सामना करने से बच रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो रोहित शेट्टी और अजय देवगन बिना रुके दिन रात फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। उनका लक्ष्य था कि फिल्म को 15 अगस्त तक रिलीज कर दिया जाए। कहा जा रहा है कि सिंगम अगेन की कुछ जटिल मार्गों के चलते शूटिंग लंबी खींच रही है। हालांकि रोहित शेट्टी, अजय देवगन ने अपनी रफ्तार बरकरार रखी है। वह निर्धारित तारीख पर फिल्म को रिलीज करने के लिए बहुत जोर नहीं दे रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जियो ने रोहित शेट्टी को सुझाव दिया है कि फिल्म को दिवाली पर रिलीज किया जाना चाहिए। अजय देवगन और रोहित भी इस तारीख पर विचार कर रहे हैं। दिवाली की तारीख को ध्यान में रखकर DFF और अन्य कार्यों के लिए अंतिम तारीख निर्धारित की जा रही है। फिल्म में अजय देवगन, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण, करीना कपूर और टाइगर श्रॉफ भी नजर आने वाले हैं। रोहित शेट्टी की सिंगम की में कई स्टार नजर आने वाले हैं, जिसकी वजह से इसे लेकर बच बना हुआ है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में सिंगम की से न्यू अपडेट आई है। सिंगम की रिलीज डेट टल गई है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में हम। रोहित शेट्टी की बहुप्रतीक्षित फिल्म की रिलीज की तारीख टल गई है। यह फिल्म 15 अगस्त को सिनेमा घर में दस्तक देने वाली थी। कहा जा रहा था कि शूटिंग पूरी न होने के कारण फिल्म की रिलीज डेट टल गई है। वही मीडिया रिपोर्ट की माने तो फिल्म को इसी साल दिवाली पर रिलीज किया जा सकता है। सिंगम अगेन की रिलीज की तारीख बदलने के बाद लोगों ने तरह तरह के अटकलें लगाना शुरू कर दिया है। कुछ लोगों का कहना यह है कि रोहित शेट्टी, अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की फिल्म पुष्पा 2 से सामना करने से बच रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो रोहित शेट्टी और अजय देवगन बिना रुके दिन रात फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। उनका लक्ष्य था कि फिल्म को 15 अगस्त तक रिलीज कर दिया जाए। कहा जा रहा है कि सिंगम अगेन की कुछ जटिल मार्गों के चलते शूटिंग लंबी खींच रही है। हालांकि रोहित शेट्टी, अजय देवगन ने अपनी रफ्तार बरकरार रखी है। वह निर्धारित तारीख पर फिल्म को रिलीज करने के लिए बहुत जोर नहीं दे रहे हैं।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जियो ने रोहित शेट्टी को सुझाव दिया है कि फिल्म को दिवाली पर रिलीज किया जाना चाहिए। अजय देवगन और रोहित भी इस तारीख पर विचार कर रहे हैं। दिवाली की तारीख को ध्यान में रखकर VFX और अन्य कार्यों के लिए अंतिम तारीख निर्धारित की जा रही है। फिल्म में अजय देवगन, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण, करीना कपूर और टाइगर श्रॉफ भी नजर आने वाले हैं। रोहित शेट्टी की सिंघम की में कई स्टार नजर आने वाले हैं, जिसकी वजह से इसे लेकर बच बना हुआ है।